हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब कांग्रेस और वाम दल 2021 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए हामी भी भर दी है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष अब्दुल मन्नान ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें जमीनी हकीकत बताई थी। उनका मानना था कि वामदलों से मिलकर लड़ने में ही समझदारी है। सोनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकारते हुए वामदलों से बातचीत के लिए राज्य इकाई को अधिकृत कर दिया। कांग्रेस का मानना है कि 2016 में भले ही जमीनी स्तर पर दोनों दलों के बीच समझौता हुआ हो, लेकिन नेताओं के दिल नहीं मिले थे। राहुल गांधी की एक सभा को छोड़कर वाम नेताओं ने कांग्रेस के साथ साझा प्रचार नहीं किया था। सूत्रों की माने तो सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी इस गठबंधन की अनुमति दे दी है। यही वजह है कि पिछले 2 अक्टूबर को पहली बार सीपीएम के राज्य महासचिव सूर्यकांत मिश्रा सहित विमान बोस जैसे कई बड़े वाम नेता कोलकाता में कांग्रेस के गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा से बातचीत भी की। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, जबकि वाम दल 29 सीटों पर सिमट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट।